हेलो दोस्तों, मैं हीरो और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस को आप लोग जानते हो, बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है, सैमसंग के सबसे बढ़िया स्मार्टफोन में से एक है। प्राइस भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा हाई है, लोगों को पसंद आता है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को पसंद आता है लेकिन हम लोग ले नहीं पाते बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। लेकिन यहाँ पे सैमसंग जो है उसके लाइट वर्जन, नोट 10 की लाइट वर्जन को लॉन्च कर दिया है, ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। इंडिया में भी ये जो स्मार्टफोन है ये लॉन्च हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा जनवरी एंड तक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, कितने प्राइस पॉइंट में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे क्या ये स्मार्टफोन इतने प्राइस पॉइंट में लेने लायक है या फिर नहीं उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए सैमसंग की गैलेक्सी नोट 10 लाइट की, पहले हम लोग डिजाइन को देखें तो बहुत ही खूबसूरत सा एक स्मार्टफोन है। रियर में जो नोट 10 में जो कैमरा मॉड्यूल है उससे थोड़ा मोटा कैमरा मॉड्यूल है। यहाँ पे आप लोग को 3 कैमरा के सेटअप दिखेगा, एक LED फ्लैश दिखेगा। पूरा का पूरा जो रियर है वो ग्लास का है, मेटल फ्रेम है पूरे फोन में। और यहां पे अगर बात किया जाए डिस्प्ले की, फ्रंट की, तो पंच होल डिस्प्ले आप लोग को मिलेगा, सेंटर में ये पंच होल रखा गया है। और यहाँ पे इस स्मार्टफोन में आप लोग को एस पेन भी मिलेगा, मतलब अगर आप एस पेन के साथ स्टाइल मारना चाहते थे नोट 10 लाइट में भी आप उस एस पेन के साथ स्टाइल मार पाओगे। यहाँ पे अगर बात की जाए स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो 6.7 का डिस्प्ले है जो फुल HD प्लस डिस्प्ले है। और यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है ये है एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पे इंटरनल्स की बात किया जाए तो एक्सिनॉस 9810 प्रोसेसर लगाया गया है, 6GB और 8GB की दो रैम ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, 128GB की स्टोरेज आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टोरेज को आप बढ़ा भी पाओगे। यहाँ पे अगर बात किया जाए बैटरी की, तो 4000mAh की बैटरी मिलेगी जो सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। साथ ही में इस स्मार्टफोन में आप लोग को एंड्रॉयड 10 का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर कंपनी ने अपनी UI की लेयरिंग लगाई है। यहाँ पे और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप लोग को USB Type-C और 3.5mm जैक देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरे की, तो रियर में मैंने आप लोग को डिजाइन में ही बोल दिया था कि तीन कैमरा है रियर मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल में, तो तीनों जो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का। पहला जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है प्राइमरी कैमरा, दूसरा जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है वाइड एंगल सेंसर, और तीसरा जो 12 मेगापिक्सल का सेंसर है वो है टेलीफोटो लेंस, जिसके जरिए आप लोगों को 2x ऑप्टिकल जूम की सुविधा मिलेगी। यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का आप लोगों को सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे सैमसंग के साथ पहली बार हो रहा है कि फ्लैगशिप मॉडल में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है। कुछ भी अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की, ग्लोबल मार्केट में तो ये लॉन्च हो चुका है, इंडिया में जनवरी एंड तक आ जाना चाहिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 40 से 45 के अंदर एक्चुअली होना चाहिए ये लॉन्च, इंडिया पे हो जाना चाहिए। और अगर ये 40 से 45 के अंदर लॉन्च हो जाता है तो वन प्लस जैसी ब्रांड को टक्कर देने वाला है। और जो लोग वन प्लस को पसंद करते हैं, वन प्लस की स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं उस प्राइस रेंज में, 40-45-50 के रेंज में अगर लोगों को पसंद आता है वन प्लस, वहाँ पे और एक नया नाम जुड़ जाएगा, ये सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 लाइट। यहाँ पे लोगों को, अब लोग सैमसंग की इस स्मार्टफोन को भी लेना पसंद करेंगे। और हाँ, 40 से 45 से 50 हज़ार के अंदर ये स्मार्टफोन अगर लॉन्च हो जाता है तो बेहतर एक ऑप्शन होगा। अगर 40-50 हज़ार रुपये में इतनी सारी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन सैमसंग की ब्रांड नेम के साथ आता है तो बहुत ही बेहतरीन एक ऑप्शन है। हाँ, 40-50 हज़ार रुपये में ये फ़ोन खरीदा जा सकता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ये स्मार्टफोन आप लोगों को अच्छा लगा, क्या 40-45 हज़ार रुपये में वन प्लस को ये स्मार्टफोन टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर दीजिएगा, चैनल पे नया आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, भारत माता की जय।